नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बारे में। हमने जाना कि किस तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसी महाशक्तियां हैं जो कि विश्व स्तर पर अपना जो दबदबा है बनाए हुए। वहीं भी एक ऐसा राज्य है यानी कि चीन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्म्स में जिस तरीके से चीन ने 1970 के दशक के बाद अपने आप को स्थापित किया है, हम जानेंगे किस तरीके से रही चाइना की पूरी पॉलिसी। तो यहाँ पे यह जानना जरूरी होगा कि किस तरीके से अपने आप को डेवलप किया, उसकी इकोनॉमी, पॉलिटी, पॉलिटिकल जो पूरा सिग्निफिकेंस है सिस्टम का, और साथ ही साथ हम जानेंगे इंडिया चाइना रिलेशनशिप, उनकी हिस्ट्री किस तरीके से रही और प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ये रिलेशनशिप कैसी है। वहीं पे अब हम बात करते हैं चीन की यानी चाइना की। तो हम जानते हैं कि चाइना जो है फिलहाल में एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और एक समय ऐसा था 1970 के दशक में जब भारत और चाइना जो थे लगभग एक ही स्टेज पे थे। डेवलपमेंट वाइज देख लीजिए, इकोनॉमी वाइज देख लीजिए, तो दोनों साथ साथ ही प्रगति कर रहे थे। वहीं पे जहां भारत ने चुना सर्विस सेक्टर, चाइना ने चुना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इस तरीके से चाइना की कई ऐसी पॉलिसीज रही जिनके बारे में हम जानेंगे, जिस तरीके से वो पूरा एक गेम चेंजर बन के यहाँ पे आई। तो आप देखेंगे कि जो चीन है, आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसे अगले अगर हम बात करें कि आने वाले जो दशक हैं, आगे 10-20 साल में माना जा रहा है कि एक नई महाशक्ति के रूप में उभर के आ सकता है। तो 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसी स्पीड से यह चलता रहा तो 2040 तक ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकल सकता है, आर्थिक शक्ति बन के निकल सकता है, यानी अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। वहीं आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है, और इसी कारण से क्षेत्र मामलों में इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अगर अब बात करें इंडिया, रशिया और चाइना की रिलेशनशिप की भी, यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ हमेशा फ्रेंडली रहा है, लेकिन फिलहाल ही में जो है ये देखने को मिल रहा है कि चाइना और रशिया के बीच की जो बढ़ती नजदीकियां हैं और जिस तरीके से इंडिया अमेरिका के साथ भी जुड़ रहा है, तो ये इंडिया के लिए, भारत के लिए एक सोचने का विषय बन सकता है। वहीं पे अगर बात की जाए चाइना की पावर की, तो चाइना हर टर्म्स, देखिए उसकी इंटरनल पॉलिसीज ले लीजिए, एक्सटर्नल ले लीजिए, कई तरीके से काफी आगे है। प्रोडक्शन में देख लीजिए, मेजर वर्ल्ड के जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम बात करें चाहे चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और कितने ऐसे देश हैं विश्व के जो चाइना पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए। भारत खुद फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल के लिए जो है डिपेंडेंट है चाइना पे। और 1949 में माओ के लीडरशिप के अंदर हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। तो आर्थिक रूप से पिछड़ी साम्यवादी चीन ने जो है पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते उस समय तोड़ लिए, और 1949 में जो एक ये जो क्रांति आई थी, इसकी जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी बेसिकली बहुत अलग है आज की पॉलिसी से। पहले की जो पॉलिसी का एजेंडा रहा वो था क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम, और बाद में जाके कहीं उन्होंने एक ओपन इकोनॉमी सिस्टम फॉलो किया। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जानने की जरूरत है कि जिस तरीके से सोवियत संघ में क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो हो रहा था और चाइना ने जब इसे अपनाया, तो उसने देखा कि जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था एक तरीके से डेवलप नहीं कर पा रही है। वहीं पे चाइना को बहुत सारे फेमाइंस का सामना करना पड़ा, और धीरे धीरे घरेलू स्तर पर जो है आप देख सकते हो कि काफी चीजें, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो
इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हीं उसी के साथ साथ जो फोकस रहा वो रहा स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में। तो अर्थव्यवस्था के विकास में भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में जब 2 से 3% तक यानी परसेंटेज तक वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पूरी तरीके से पानी फेर गई, तो चाइना एक तरीके से जो अपनी पॉपुलेशन जो है उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। देखिए, पॉपुलेशन अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपको उनके लिए फिर हर चीज की फैसिलिटी कराना यहाँ पे बहुत जरूरी है। फूड ले लीजिए, शेल्टर ले लीजिए, और सबसे बड़ी चीज जो है वो है हेल्थ। हेल्थ सेक्टर को भी डेवलप कराना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि सोवियत संघ की जो राज्य नीति रही उसी को चाइना ने यहीं ने कहीं सामान्य रूप से पकड़े रखा, लेकिन चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए और 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। तो अब जो उसकी पॉलिसी थी जो कि बिल्कुल ऐसे थी कि हमें किसी के साथ ट्रेड नहीं करना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, चाइना समझ गया कि एक बड़े स्तर पर अगर सक्सेस पानी है तो आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो है चाइना को समझ अब आ चुका था और चाइना की जो एक नई पॉलिसी स्टार्ट होती है वो यहाँ पे देखनी बहुत जरूरी है। तो उसका जो फोकस रहा एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहा, मिलिट्री पे रहा, साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करना, रिसर्च वर्क पे रहा, और इस तरीके से जो ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति की जो है चाइना ने 1978 में घोषणा की। तो यानी ओपन डोर, जैसे कि आपने नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि अपने दरवाजे खोल दिए उसने इकोनॉमी के लिए और अपने व्यापार को जो है एक लिमिटेड स्पेस से रख के अब चाइना ने बढ़ा दिया। तो बाजार मूल अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया और चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करके करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को जो है एक नए ढंग से खोला। तो 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, उसके बाद 1998 में उद्योगों का और व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपना उद्यम लगा सकते हैं। किसी भी देश के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, और ऐसे में चाइना ने जब अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसे ओपन किया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज जो है काफी हद तक चाइना के बढ़ गए। वहीं पे बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, तो चाइना ने फोकस किया यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर। ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पे जो है एक तरीके से टैक्स रिबेट्स, टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं और इकोनॉमी के प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन में ये एरियाज बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चीन पूरे विश्व में प्रत्येक विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा और चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार था, तो फॉरेन रिजर्व्स का जो भंडार उसके पास आ गया और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा था। तो चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरीके से दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया। तो अब चीन की जो योजनाएं हैं विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और घेरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने लगी। तो चाइना ने जो है काफी हद तक इसका बेनिफिट लिया, लेकिन चीन की जो आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ लेकिन वहां पर किसी को सुधारों का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल पाया और चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग बेरोजगार की तलाश में थे। तो वो वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में। तो अगर आप बात करें ये 18वीं और 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल में हैं जो चीजें हैं काफी अलग है। वहीं पे चाइना एक और चीज जो फेस करता है वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के स्तर भी वहां बहुत ज्यादा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना में है और इसी वजह से जो पॉल्यूशन है, चाहे एयर पॉल्यूशन ले लीजिए, नॉइस पॉल्यूशन ले लीजिए,
वो काफी हद तक एयर हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, उसी के साथ साथ नॉइस पोल्यूशन जो है चाइना में काफी हद तक देखने को मिला। तो अगर आप देखिए चाइना, जैसे कि कहा जाता है कि चाइना जो है एक तरीके से एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, खुद में ही एक अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहां पे भी कई तरीके के चैलेंजेस उसे फेस करने पड़े। तो चाइना जो है एक तरीके से आपने देखा होगा डिफरेंट लीडर्स में, डिफरेंट लीडर्स के साथ उसने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई, और एक टाइम ऐसे आया जब चाइना ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई वो एक तरीके से ऐसी पॉलिसी थी जहां पे उसने ओपन डोर पॉलिसी यानी अपनी इकोनॉमी को खोला, और उसी के साथ साथ कुछ अपने इनिशिएटिव्स, अपने पॉलिसी इनिशिएटिव कंटिन्यू रखे। तो आप देखेंगे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे। तो चीन की अर्थव्यवस्था का भारी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब ये स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त दबाव बन चुका है, और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। देखिए हम एक ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी देश पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें दूसरे की जरूरत है किसी ना किसी चीज के लिए। और आप ये देखेंगे कि अगर जिस तरीके से चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करी जाए, जिस तरीके से उसके एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, तो उसे मैच करना काफी हद तक मुश्किल है। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उसका व्यापार है, पॉलिटिकल रिलेशंस है, तो वो एक मुख्य मिलिट्री पावर भी है, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक तो उसकी जो कहते हैं बैकबोन है ही, साथ ही मिलिट्री वाइज भी चाइना अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। ऐसी ऐसी नीतियां उसकी हैं, पॉलिसी हैं। एक और चीज पे हम यहाँ पे बात करेंगे वो है वन चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना की जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और उस समय जो था चाइना लेकर आया वन चाइल्ड पॉलिसी कि सभी जो है चाइना में फॉलो करेंगे कि एक ही बच्चा सभी के हो ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जा सके। और हाल ही में अभी जो उनकी पॉलिसी आई है कि ये जो पॉलिसी है अब नहीं है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण जो यंग पॉपुलेशन है जिसकी हमें जरूरत है डेवलपमेंट में, जो हमारे हेल्प करेगी, वो पॉपुलेशन अब कई हद तक कम हो गई है, उसका डिक्रीज हो गया है। वहीं पे अगर आप बात करें तो यंग पॉपुलेशन की, तो अगर ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हेल्थ सेक्टर में और ऐसे ऐसे सेक्टर्स में, यानी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो अब चाइना को ये जो चीज है समझ आई है कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब उसने हटा दी है। अब करंट टाइम्स में भारत जो है विश्व का एक ऐसा राज्य बन गया है जो कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, चाइना को जो है उसने इस चीज में पछाड़ दिया है। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये माना जा रहा है कि डेफिनेटली चाइना जो है अमेरिका को काफी हद तक पीछे छोड़ देगा। अब हम बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों की। देखिए भारत और चीन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम बॉर्डर शेयर करते हैं आप मैप में देख ही सकते हैं, तो ये जो बॉर्डर्स इंडिया शेयर करता है चाइना के साथ, हम जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जिस तरीके के रिलेशंस रहे हैं, चाहे आप 1962 में भारत चीन युद्ध ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एक्साइजन क्षेत्र को लेकर, या 1950 में चीन द्वारा तिब्बत का रखने का जो प्रयास किया गया, ये सभी एक डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप के संकेत है। वहीं पे जहां भारत को एलओसी पर तो इश्यूज हैं, वहीं पे एलएसी यानी जो चाइना के साथ बॉर्डर्स एरिया है वो भी इंडिया के लिए अब इशू बन गए हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब हम रीजन की बात करते हैं मैप में आप देख ही सकते हैं, तो पीओके और अक्साई चिन जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ पे है ही। और यहीं पे अगर बात की जाए सीमा विवाद से लेके, तो डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन से लेकर उनके काफी हद तक विवाद चले हैं। 1976 तक दोनों देशों के बीच कटुनीतिक संबंध समाप्त हो गए, और 1981 में दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू की गई। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा चीन का दौरा किया गया, और जिसमें कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारा जा सके। कभी भी देशों की हम बात करते हैं तो डायलॉग और निगोशिएशंस वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो यहीं पे अगर बात की जाए भारत और चीन की, तो कई ऐसे मामले हैं जहां पे वो टकराए हैं और उन्हीं पर भी आज भी जो विवाद है चल रहे हैं। तो कल्चरल टर्म्स में, राजनीतिक टर्म्स में देखें तो जो रिलेशनशिप है काफी सीमित रही है, और परिमाण ये हुआ है कि दोनों देशों एक दूसरे के ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके हैं। और अब जब हम 21st सेंचुरी में दोनों देशों को एक दूसरे से देख रहे हैं, किस तरीके की विदेश नीति अपना रहे हैं, तो काफी इस तरीके भी मुश्किल आ रही है। जैसे कि इंडो पैसिफिक एक दूसरा जो यहाँ पे रीजन जो है डिस्प्यूट का बन के आ गया है। तो अंग्रेजी राज्य से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद ये उम्मीद जागी थी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए ये जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा भी लोकप्रिय काफी समय तक हुआ, लेकिन सीमा विवाद के चलते और सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और उसी के साथ भारत चीन सीमा पर जो बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध जो थे एकदम गड़बड़ा चुके थे, और भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के एक्साइचिन क्षेत्र पर विद्युत दावों के चलते 1962 में जो ये हमारा युद्ध हुआ, ये डेफिनेटली किसी भी स्तर पर अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। वहीं पे अगर पूरी क्रोनोलॉजी देखिए तो चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए, इसलिए चीन भारत के साथ जो संबंध सुधारने के लिए विवाद स्थापित मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। वहीं पे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अब इनके संबंधों का जो रणनीतिक अब इस तरीके से पूरी तरीके से चेंज हो गई है, और इकोनॉमिकल टर्म्स में और टेरिटोरियल टर्म्स में यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। वहीं पे अगर हम बात की जाए जिस तरीके से करंट लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, सभी ने कोशिश करी है कि एक तरीके से एक स्टेबल रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में हो, लेकिन वो कई तरीके से विफल यहाँ पे देखने को मिली है। 1988 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण के कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। ये सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन काफी मददगार माना गया है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन की सैनिक संपत्तियों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए अभी फिलहाल जो चाइना की पॉलिसी है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो इशू है पहले भी था और अब भी है, और जिस तरीके से चाइना क्लेम करता रहता है इंडियन टेरिटरी को, तो वो भविष्य में एक डेफिनेटली एक देखा जाए तो एक इशू बन के आ सकता है। वहीं पे चाइना की जो पॉलिसी रही है, जैसे कि छोटे देश हम बात करते हैं, हमारी नेबरिंग स्टेट्स जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं, तो उन देशों के साथ जब चाइना के रिलेशन से ज्यादा बढ़ते हैं तो एक तरीके से इंडिया साइडलाइन हो जाता है। लेकिन वहीं पे श्रीलंका की इकोनॉमी में हमने देखा किया कि जो लोन देने की जो चाइना की प्रक्रिया रही है, वहीं पे जो काफी देश है उन्हें इसका एहसास हुआ है कि ये जो लोन लेने की जो लोन की जो पॉलिसी रही है, इससे उनकी जो अर्थव्यवस्था पे भारी नुकसान हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, जहाँ पे भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जहाँ पे चाइना जो है अपना पूरी तरीके से कह सकते हैं शासन बनाना चाहता है, वाटर बॉडीज से रिलेटेड जापान के साथ, कई साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ और इंडिया के साथ वो टकराव में रहा है। तो चीन की जो पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और उसके चलते जो रिलेशनशिप्स है करंट टाइम में भी स्टेबल नहीं है। पिछले कुछ सालों में ना किसी तरीके के डायलॉग्स हुए हैं, किसी तरीके की मीटिंग्स हुई हैं, और यहाँ पे जो एक नया नेक्सस और ट्राइंगल यहाँ पे बन के आ रहा है, वो आ रहा है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती नजदीकियां हैं वो भारत के लिए मुश्किलें यहाँ पे पैदा कर सकती है। और ऐसे में इंडो पैसिफिक जैसे रीजन जो कि वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया का
क्वाड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना इस बात को जताता है कि जो रिलेशनशिप्स है अभी फिलहाल में स्टेबल नहीं। इसी के साथ एंड करेंगे हम हमारी चर्चा को यहीं पर। धन्यवाद।